पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भिंड जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। आपको बता दें कि उनके भिंड आने का समय 2 बजे का था, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर 17 बटालियन हेलीपैड भिंड पर 5:45 पर लैंड हुआ। वहां खड़े भिंड के सभी भाजपा पदाधिकारी एवं नेताओं ने उनका स्वागत किया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम बाढ़ से ग्रसित लोगों से मिलने आए हुए हैं, इस दुख की घड़ी में फूल मालाओं की जरूरत नहीं है। इस अवसर पर अटेर विधायक अरविंद सिंह भदौरिया, भिंड दतिया सांसद संध्या राय, मेहगांव पूर्व विधायक मुकेश चौधरी, भाजपा अध्यक्ष नाथू सिंह गुज्जर व रवि सेन जैन सहित कई अन्य नेतागण मौजूद रहे। सरकार की कुंभकर्णी निद्रा के कारण गांधी सागर बांध से समय रहते पानी नहीं निकाला गया और बाद में एक साथ पानी रिलीज कर दिया, जिसके कारण ये महाप्रलय की स्थिति बनी है। इस पर सरकार को जांच करना चाहिए, श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और चौमो जैसे गांव जो डूबे हुए हैं, इन डूबे हुए गांवों को जहां मकान चौपट हो चुके हैं, अनाज सल गया है, बर्तन भांडे बचे नहीं है, तबाही है बिल्कुल। पहले कम से कम इन परिवारों के लोग भोजन कर सके ढंग से, ये तत्काल राहत देनी चाहिए। पानी उतरने के बाद व्यापक सर्वे होगा, तब जितना नुकसान हुआ है। बरेली में मानव तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। दलालों द्वारा एक लड़की को आसाम राज्य से नशा देकर बरेली ले जाया गया और बरेली में दलालों ने उसे 40,000 रुपए में बेच दिया। 25 दिन तक कैद लड़की मौके से फरार होकर गांव वालों की मदद से थाने पहुंची, जहां पीड़िता ने मदद की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस पीड़िता की कोई मदद नहीं कर पाई, उल्टा दलालों के साथ खड़ी रही। आसाम के रहने वाली हूँ। यहाँ कैसे आई? निकल कर नहीं आया, मेरा स्कूल दिया। कौन लड़का, नाम पता? नाम नहीं पता ही नहीं। तो आपको लेके आए थे, किस बहाने लेके आए थे? कोई बहाना नहीं, नशा देने आए थे हम। नशा? हाँ, नशा दे दिया था आपको उन्होंने। सारा रास्ता में तीन बार पकड़ा, नशा देने आए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? तरपुर नहीं आया, তারপরে লন্ডা ফোন, লন্ডাকে দুই দল, আরো দুই দালাল হয়, দুই দালালকে নিয়ে আয়া, পাশে ফোন করালো, রাত্রে কালো সারা রাত মেরা পুরাশি ডান্ডা মারায়া মারায়া, পাশে এনে পুরা হয়, পুরাকে ফোন করায়া, ফোন করায়া পাশে পুরা কা পাশ মেরে দিয়ে দিয়া, পয়সা কত্তা বা পয়সা নেই, আমি কই পাতা নেই। তারপরে নিয়ে আয়া, পাশে পয়সা পুরা যায়, মেরা লোক আপনি যায় लेटिंग में जाए, मेरा लगे आदमी जाए, देखाने जाओ इच्छा करने आदमी जाए, पूरा से दवाई दिया या पूरा से रात्र पूरा परेशानी करे मेरा। अच्छा। पूरा परेशानी करे, पूरा से डांडा मारे, हाँ पूरा से डांडा मारे, हमें पूरा धोज ना कर पाया, हमें निकल हो जाए, निकल हो जाए, रास्ते में फिर पकड़ा है, मेरा नहीं आया, नहीं आया, पूरा से डांडा माराया, रोशी दिया, फांसी लटकाया, हाथ पकड़ाया, रोशी हाँ। খালি গালতি করা আমি কৌন ধর্ম কি ধর্ম কি ধর্ম মুসলিম হিন্দু ঈসাই কৌন মুসলিম মুসলিম মেরা পুরা খানদান মুসলিম उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के औंग थाना क्षेत्र के दुर्गागंज गांव में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है।
यहाँ मायके आई महिला के चाचा ने महिला की 6 साल की नाबालिग बच्ची के साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। रोल सर, सर ओंग वाले में मामले में सब बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, क्या कार्रवाई की गई सब तक? इसमें अभी गिरफ्तार किया गया, मुकदमा कायम कर लिया गया है और जो पीड़िता है उसको इलाज के लिए और अन्य जो कार्रवाई होती है उसके जो अधोबस्त्र हैं सब लेके कार्रवाई की जा रही है। बच्ची की स्थिति क्या है सर? स्थिति बच्ची लड़की ठीक है और जो मुलजिम है उसके रिश्ते में है, उसके घर पर आया हुआ था और उसकी माँ जो थी खेत में गई थी, उसका देवर था और एक छोटी बच्ची थी जो बलात्कारी है, उसने भेज दिया दुकान पर। जब लौट के आई थोड़ी देर बाद देखी स्वेलिंग थी और कुछ खून दिखा, तब वो पूछताछ की, फिर वो चली गई कानपुर नगर में उस थाने में जहाँ का उसका रिश्तेदार था, पर कल लौटी है तब वो मुकदमा कराई कायम कराई। धन्यवाद सर। ये दर्जनों पेड़ कट गए, इस पर कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, आईडी नहीं निकलने भाई। इसमें मैं जांच करूँ, जो भी दोषी होगा उसके दंडित किया जाएगा, कोई किसी को नहीं, मुकदमा कायम करा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में यमुना नदी में उफान आने के बाद यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण यमुना नदी के किनारे पर बसे कई गांव उसकी चपेट में आ गए हैं। गांव में पानी घुस गया है, ग्रामीणों का घर जलमग्न हो चुका है। जलस्तर बढ़ने के कारण लोग घर छोड़कर दूसरे ठिकानों पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं इस जलभराव से किसानों की कई बीघा फसल जलमग्न हो गई है। मेरा नाम जगन्नाथ सिंह, ग्राम बिंदौर का निवासी हूँ और यमुना जी की इस ज़्यादा बढ़ी हुई उसमें देखी आप देख रहे हैं कि सीएमसी का रास्ता मेन रोड जाम हो गया है, यहाँ फसलों का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिससे जानवरों के चारे की समस्या और लोगों की फसलें तीली लीली उड़ा ज्वार आज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, फसलों का भी बहुत नुकसान हुआ है। हरदोई के पूर्व जिलाध्यक्ष अमित सिंह मीतू समाजवादी लोहिया वाहिनी पर एक युवक को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। कोतवाली शहर के अंतर्गत चांद बेहटा पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायती पत्र के अनुसार सुधीर गुप्ता को 5 दिन पहले अमित सिंह मीतू पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी लोहिया वाहिनी ने जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद 17 सितंबर को युवक चांद बेहटा स्थित अपनी दुकान जीवा रीवा ज्वेलर्स पर बैठा था, जहां पर अमित सिंह मीतू अपने साथियों के साथ असलाह सहित दुकान पर आ गया, जहां सभी ने गाली गलौज कर उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित के अनुसार अमित सिंह मीतू सपा नेता लॉफर किस्म का व्यक्ति है, आए दिन वह असलाधारियों सहित कई लोगों को डराता धमकाता रहता है। इससे पहले भी अमित सिंह मीतू गोली कांड कर चुका है। वही पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामला जानकारी में है, जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। अमित सिंह मीतू जो लोहियावानी जिला अध्यक्ष हैं सपा पार्टी के, उन्होंने हमको फ़ोन से धमकी देते हुए गाली गलौज किया और अपने बच्चों की कसम खाते हुए कहा कि जब तक हम गोली नहीं मार देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। उसके बावजूद भी हमने कोई कार्रवाई नहीं की। जब ये हमारी दुकान पे सोने चांदी की दुकान पे आए, वहाँ पे आकर के इन्होंने मैं सलाह से 3-4 लोग और धमकी देते हुए लूटपाट की नीयत से वहाँ से चले गए। उसके बाद भी जब हमने सोचा कि चलो इसको DM या SP को प्रार्थना पत्र दिया जाए, तब हम कचहरी में गए। कचहरी में इन्होंने हमको घेर लिया और वहाँ भी इन्होंने धमकी दी कि अगर सुधर जाओ नहीं तो हम उस खानदान से हैं कि पेट तक का बच्चा मार देंगे। यही सब होने के बावजूद भी हम पूरा परिवार डरे हुए हैं कि पता नहीं आगे क्या हो सकता है। इससे पहले भी हमारी 2017 में लूट हो चुकी थी, हमें शंका है कि हो सकता है इन्हीं लोगों का उसमें हाथ है। कई लोग थे मीतू के साथ? एक मीतू सपा नेता थे और उनके साथ में 3 से 4 लोग अन्य थे। रामपुर जिलाधिकारी आंजनेया कुमार ने अधिकारियों संग किले परिसर का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी महोदय ने किला परिसर स्थित विभिन्न पार्क कार्यालय एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों का निरीक्षण किया तथा साफ सफाई कराने के साथ ही किले में स्थित पार्कों के विकास और उनके बेहतर सार्वजनिक उपयोगिता सुनिश्चित कराने के लिए अधिकारियों की टीम से निरीक्षण व सर्वेक्षण कराते हुए पर्याप्त आख्या के आधार पर सौंदर्यकरण व अन्य आमजन की सुविधा के दृष्टिगत जरूरी कार्य कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि रामपुर जिला जैसा भी है पर किला रामपुर की धरोहर है, लिहाजा किले का पूर्ण रूप से सौंदर्यकरण कराया जाएगा। कम से कम 5 स्कूल चलते हैं,
कई सारे विभागों के वहाँ पे ऑफिसर्स हैं। अब किला कुल मिला के हमारे ही कंट्रोल में है, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उसकी हमारी ही है। और किले में बहुत सारे भी बिल्डिंग्स जो अनयूटिलाइज पड़ी हैं, पार्क्स बने हैं, नए स्ट्रक्चर्स बने हैं जिनको सामुदायिक उपयोग के लिए, कुल मिला के किला यहाँ का सामुदायिक उपयोग के लिए होता है, पर उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए जितने संबंधित विभाग हैं उनके साथ मैंने भेंट किया और इसमें शेड्यूल्ड टाइम करके इन सारे लोगों को निर्देश दिए हैं कि पहले तो सफाई करें, उसके बाद मेंटेनेंस की पूरी रिपोर्ट बनाएं इसके, किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, क्या क्या करने की ज़रूरत है और उसके हिसाब से इसको मेंटेन करने की आवश्यकता है। क्योंकि किला जैसा भी है रामपुर का, वो यहाँ के धरोहर है, धरोहर को धरोहर की तरह मेंटेन करें। अंदर दुकानें जो बनी है नगर पालिका की, उस पर ऑलरेडी FIR हो चुकी है, तो ये दुकानें गिरवाई जाएंगी? बिल्कुल गिराई जाएंगी, उसमें रिकवरी पास हो चुका है और उन दुकानों को गिरना ही है। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में धर्म जागरण समन्वय के तत्वाधान में खिरनी बाग रामलीला मैदान में विशाल रामकथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कलश यात्रा को लेकर आज महिलाओं की एक विशेष बैठक आर्य महिला डिग्री कॉलेज में आहूत की गई। इस दौरान अध्यक्ष नवरीत पाठक, जिला पंचायत अध्यक्ष अजय प्रताप यादव, प्रांत प्रमुख धर्म जागरण दिनेश लवानिया, सरोज गीता त्रिपाठी, अंशु राजनी, रचना अवस्थी, सीमा बाजपाई आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस संबंध में आप क्या कहना आपका? प्रभु श्री राम की बड़ी कृपा है और उनकी कृपा से ये शाहजहांपुर जनपद में एक भव्य राम कथा का आयोजन धर्म जागरण समन्वय विभाग, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का विभाग है, उसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस राम कथा में जो राम कथा की अमृत वर्षा होगी, उसके लिए हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय कथाव्यास अतुल कृष्ण भारद्वाज जी महाराज जो हैं, वो यहाँ पर आएंगे और उनकी वाणी से जो राम कथा सुनेंगे, और हम सब जितने भी हैं भक्त उनके जो अमृत रूपी जो वर्षा होगी वाणी की, उसका हम आनंद लेंगे। जनपद वासियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जनपद वासियों के लिए कहना चाहेंगे कि भगवान राम ने केवल सभी जाति, सभी बिरादरी, सभी को साथ में लेकर चलना सिखाया, हम सबको एक रहना सिखाया, और जो भी अन्याय रूपी रावण था उसका वध करना हम सब ने मिलके उसमें देखा है भगवान राम की कथा में कि किस तरह से हुआ है। तो जनपद वासियों से यही कहना चाहेंगे, किसी भी परिस्थिति में कोई जाति धर्म कोई भेद ना करके सब इकट्ठे रहें, और अन्याय रूपी रावण कहीं पर भी दिखाई दे तो उसके खिलाफ हम संघर्ष करें और भगवान राम की कृपा से उस संघर्ष को जीतने की हम उपलब्धि करें। मैं जनपद वासियों से एक और अनुरोध करना चाहूंगा कि ये कथा अपने आप में बहुत भव्य है, खिरनी बाग के मैदान पर होगी और इसमें वो सभी, आप सभी लोग यहाँ पर आए और इस कथा में आनंद लें। इस कथा में जो हमारे कथा व्यास हैं उनको जो बताएंगे उनका श्रवण करें और भगवान राम के आशीर्वाद को ग्रहण करें। बुलंदशहर के नरोरा थाना क्षेत्र के NH 506 हाईवे पर बीड़ी व्यापारी रामबाबू से तीन बाइक सवार सशस्त्र बदमाशों ने गोली मारकर 30,000 रुपए की लूट की और फरार हो गए। राहगीरों ने घटना की जानकारी सोनंबर पुलिस को दी व स्थानीय पुलिस वासियों ने मौके पर पहुंचकर युवक को घायल अवस्था में देखकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया व जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं आपको बताते चले कि रामबाबू की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसके चलते जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। कानपुर के पास, तो कहाँ से आ रहे थे आप पैसे? क्या करते हो आप? अच्छा, किसके कॉल करते हो? आलोक। आलोक के यहाँ लूट हुई आपके साथ? नाम का व्यक्ति है जो रामघाट थाना क्षेत्र का रहने वाला है। नरवरा क्षेत्र में एक परचून की दुकान पे नौकर का काम करता है। इसके मालिक ने कहा था कि कुछ लोगों के पास बकाया है, आप इसे मेरे रास्ते में लेके आना। तो बेलोन गांव नरवरा में पड़ता है, वहाँ से इसने 22,800 रुपए दो लोगों से कलेक्ट किए और थैले में साइकिल पे लगा के आ रहा था। पीछे से लड़के आए मोटरसाइकिल से, उन्होंने फायर किया, गोली इसके पैर में लगी और इसके बाद फिर ये गिर पड़ा। गिरने के बाद वो थैला लेके इसका भाग गया। तो मुकदमा दर्ज करा दिया गया है और इसमें हम अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। क्या घटना हुई है, क्या मामला? आज सुबह लगभग 11:20 पर
राम बाबू सन ऑफ हरपान सिंह, उन्हें लगभग 40 साल को घायल अवस्था में लाया गया। प्रथम दृष्टया देखने में ये फायर आर्म इंजरी का केस लग रहा था, हालांकि हमने इसे कंफर्मेशन के लिए और इलाज के लिए उन्हें बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया।